हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। एंड यस, आपको वीडियो के टाइटल से तो पता ही होगा कि ये वीडियो है किस बारे में और हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मैं अपनी 84 डेज की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीक बाय वीक। तो मैं हर वीक के एंड में आपके साथ एक वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने पूरे वीक में क्या किया, क्या क्या वर्कआउट किया, क्या क्या चीजें की। हाँ, अभी ब्लॉग जो ये मेरा वीडियो है उसको बहुत डिटेल्ड मैं नहीं बना रही हूँ इस वीक भी। इट्स बिट सिंपल, बस मैं आपको वर्कआउट रूटीन, मैंने क्या क्या किया, कौन से डे में क्या एक्सरसाइज की, क्या मैंने एडिशन, क्या चेंजेस किए अपने डाइट में या क्या फॉलो करती रही कंटिन्यूअसली, तो वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि ये जो मेरा ये वाला वीक और था, ये दो वीक मुझे चाहिए थे अपने आप को अंदर से ये फील कराने के लिए कि यू आर नाउ गोइंग टू ईट इन अ स्ट्रक्चर्ड डाइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो मुझे एक दो वीक लगे अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा सा सप्रेस करने में, क्योंकि क्या होता है जब आप ज्यादा खाते हो, बहुत ज्यादा खाते तो आपकी एक वो हैबिट बन जाती है, भूख नहीं लगती है बट एक वो माइंडसेट बन जाता है यार कुछ अच्छा नहीं खाया, कुछ बाहर का नहीं खाया, वो होता है। तो मैंने वही चीज की थी कि मुझे ये दो वीक में मैंने ये टारगेट रखा था। मेरा वेट टारगेट नहीं था, इंचेस टारगेट नहीं थे, मेरा मेन टारगेट था कि मुझे अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड डाइट में, स्ट्रक्चर्ड फूड ईटिंग पैटर्न में, हैबिट में अपने आप को ढालना है। वो मैंने सक्सेसफुली कर लिया है और उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दो वीक पूरे हो चुके हैं और बहुत अच्छे से मैंने बिल्कुल बिना चीट किए हुए खाया। बस एक दिन बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल तो मैंने सबवे से सैलड ऑर्डर किया था, वो भी मैंने मैक्रोज एंड कैलोरीज को कैलकुलेट करके अपने डाइट में से एडजस्ट किया था। तो बस वो चीज की मैंने ध्यान रखा था, बाकी ये वीक भी बहुत फैंटास्टिक गया, बहुत अच्छा गया। वर्कआउट देखिए, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि मेरा वर्कआउट जो है वो नेक्स्ट एक मंथ तक चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्कआउट को इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप अपने मसल्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ट्रेन करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा कभी भी नहीं होता कि दो वीक में आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, आपको एटलीस्ट महीने भर तो वेट करना ही पड़ेगा। तो बस वही कर रही हूं मैं बस थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी इंक्रीज करती जा रही हूं और जो पुराना वेट है उससे थोड़ा सा वेट एक्स्ट्रा उठाती हूं। तो ये चीज मैं अपनी कर रही हूं साइड बाय साइड। बट हाँ, अभी मैं वर्कआउट्स में चेंज नहीं करूंगी और नेक्स्ट वीक से मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कैसे हर दिन मैंने कैसे कैसे करके अपने जो वर्कआउट का वेट्स का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज किया, कैसे किया। तो ये सारी चीजें थोड़ा डिटेलिंग में हम लोग नेक्स्ट वीक से बात करेंगे इसके बारे में। उसके अलावा जो इस वीक में मैंने मेन चीज का ध्यान रखा है, शुगर तो मैंने पहले ही पिछले वीक में ही कट आउट कर दी थी, इस वीक में भी मैंने शुगर बिल्कुल नहीं लिया, बहुत अच्छे से रहा। अगर मुझे कभी भी ऐसा होता था कि मुझे मेंटली बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी तो मैं बस कुछ नहीं करती थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी कि मैं कुछ और करने लगूं ताकि मेरा ध्यान वहां ना जाए। तो एक दिन ऐसा ब्रेकडाउन हुआ था, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज्यादा। बट यहाँ पे रोल आता है आपके पार्टनर का, तो मेरे साथ तो मेरा हस्बैंड है कि वो मुझे थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहता है हमेशा कि तुम क्यों कर रही हो ये, सोचो एक बार। तो एक चीज मैं हमेशा बोलना चाहूंगी कि एक अच्छा वर्कआउट पार्टनर, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पार्टनर आप हो सके तो, ये जरूरी नहीं है कि वो आपका पति ही हो या बॉयफ्रेंड ही हो, वो आपका भाई भी हो सकता है, आपकी मॉम भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपके साथ में जो सेम सीरियसनेस लेवल शेयर करता हो फिटनेस को लेके, तो उसे आप बना सकते हैं अपना पार्टनर और उसे बहुत हेल्प होती है। तो अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 5 दिन में क्या क्या फूड खाया, किस किस डे के हिसाब से। और हाँ, एक और डिस्क्लेमर है कि इस वीक में मैंने 2 दिन रेस्ट डे लिया, क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने एक दिन 161 स्क्वाट्स किए थे इन वन गो, तो जिसकी वजह से मेरे लेग जो थे बहुत ज्यादा सोर हो गए थे और मुझे ऐसा मेरी बॉडी को फील हो रहा था कि तुम्हें थोड़े से रेस्ट की जरूरत है। तो मैंने 2 दिन गैप करके मैंने रेस्ट लिया, प्रॉपर बॉडी को हील होने दिया। और कल से वो भी इसलिए जरूरी होता है, रेस्ट इसलिए भी जरूरी होता है ताकि आप प्रॉपर तरीके से हील कर पाओ खुद को। जिस तरीके से वर्कआउट इंपॉर्टेंट होता है उसी तरीके से रिक्वायरमेंट होती है रेस्ट की भी, तो वो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वो मैंने ध्यान में रखा था और वो किया था। अभी आप चलिए मेरा वर्कआउट रूटीन देखते हैं हम वीक का और क्या क्या मैंने खाया वो देखते हैं। उसके बाद हमेशा की तरह मैं एंड में शेयर करूंगी आपके साथ एक टिप जो हमें हमारे जर्नी में या जर्नी की तरफ बढ़ने के लिए हमें हेल्प करेगी। सो लेट्स मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो।
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा जो मैं वीक बाय वीक कर रही हूँ और मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही हूँ। तो इस वीक का जो प्रोग्रेस है वो ये है कि मैंने ऑलमोस्ट 1 kg और लूज किया है एंड इंचेस में आई हैव लॉस्ट 1 inch फ्रॉम माय यू नो बेली फैट। तो वो हुआ है। अभी इस वीक से मैं थोड़ा सा अपने आप को गियर अप करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई कार्डियो एक्टिविटीज, आई एम गोइंग टू इंक्रीज यू नो मेरा जो टोटल स्टेप काउंट है। अभी मैं ऑलमोस्ट 12,000 स्टेप काउंट एवरी डे चल रही थी। मैं इस नेक्स्ट वीक में टारगेट करूंगी कि मैं 13,000 स्टेप पर डे के चलूं। तो ये मेरे छोटे छोटे गोल्स हैं। उसके अलावा मैं आप लोग मेरा जो इंस्टा पेज है वहां पे मैं डेली के अपडेट देती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, तो वो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ कहीं मेंशन करूंगी क्योंकि वो आप देखोगे ना तो आपको और रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे मेरे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग। तो वो आप जरूर से एक बार फॉलो कर लेना। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर द टिप। सो टिप नंबर 2 इज सेट रियलिस्टिक गोल्स। बहुत छोटी मगर मोटी बात, बहुत छोटी सी बात है कि आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। क्या होता है जब हम वेट लॉस जर्नी में उतरते हैं ना तो हम इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड या ओवर यू नो कह सकते हो कि मोटिवेटेड होते हैं कि हमें लगता है कि यार हम सब कर लेंगे। फिर स्टार्ट होता है आपका वेट लॉस जर्नी। आप स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि आप एक वीक में, नॉर्मली सुना होगा आप लोगों से कई लोग एक एक वीक में 2-2, 3-3 किलो 4-4 किलो लूज कर लेते हैं। तो आपको लगता है लोग कर सकते हैं, अगर मैं डाइटिंग करूंगा तो फॉर श्योर मेरे 4 किलो तो लूज होंगे। अब क्या हुआ कि आपने टारगेट बना लिया कि 4 किलो लूज करोगे, लेकिन क्या हुआ कि जब एंड ऑफ द वीक आया आपने देखा कि आपका 1 किलो लूज हुआ है, बस वहां पे डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी शुरू हो जाता है। लगता है अरे नहीं यार मेरे बस की तो नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे तो रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरी तो बॉडी ही ऐसी है, मैं तो मोटा ही रहने वाला हूँ, मोटी ही रहने वाली हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेट करो रियलिस्टिक गोल। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो रियलिस्टिक गोल मतलब आपको पता है कि आपकी हैबिट्स कैसी थी पहले। तो रियलिस्टिक गोल वो होते हैं कि जैसे मैंने टारगेट किया था कि यार मैं पहले वीक में आई विल कट डाउन ऑल द शुगर फ्रॉम माय डाइट। ठीक है, मैं आई हैव स्विच्ड टू शुगर फ्री। उसके बाद मैंने कुछ भी बाहर का पैक्ड फूड नहीं खाया, कुछ मरा हुआ खाना नहीं खाया, एंड आई वॉज एबल टू लूज 2 kg इन 1 week, 2-2.5 kg। वो एक बड़ी बात है। आपको ना सिर्फ गोल के पीछे, सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं भागना है, आपको ये देखना है कि आपके बॉडी कैसा फील कर रही है। जैसे मैंने रियलाइज किया कि एक वीक बाद आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट लाइटर, लिटिल बिट मोर एनर्जेटिक, और वीक 2 के बाद तो आई कैन नॉट इवन टेल यू कि मुझ मेरे पर्सनली वर्कआउट के रूटीन में इतने चेंजेस आए हैं, मेरे को इतना स्ट्रेंथ फील होने लगा है। जो यू नो छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं सीटेड केबल रो करती थी, उसमें मैं 25 kg के 15 रेप्स मारती थी। 35 तो मुझसे 4 से ज्यादा गया नहीं। बट लास्ट वीक जब मैंने अभी फ्राइडे सैटरडे को किया बैक, आई वॉज एबल टू डू 10 रेप्स इन 35। मुझे देख के शॉक लगा कि यार हाउ इट इज पॉसिबल, बट मुझे रियलाइज हुआ दिस इज द ओनली रिजल्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट 2 weeks। जो मैं अच्छा खा रही थी, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ले रही थी, उसके वजह से मेरी मसल मेमोरी भी वापस आई और मैं काफी यू नो स्ट्रांग भी फील करने लगी। तो ये डिफरेंस होता है। तो ऐसे छोटे छोटे गोल सेट करो। देखो ये एक जर्नी है जिसको इंजॉय करना है, ना कि एक सरदर्द लेके चलना है अपन को। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है अपन को। आई ना थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, बट कोई बात नहीं। आप बस एक चीज है, छोटे छोटे ध्यान रखो। नेक्स्ट वीक में मैं आपको देखो, मैं 1 महीने के बाद टोटल विजिबल चेंजेस मुझे भी पता है दिखने स्टार्ट होंगे। अभी उतने ज्यादा नहीं है एंड आई एम फाइन विद इट, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आपको पेशेंस रखना होगा बिकॉज पेशेंस इज द की। तो इसी नोट पे मैं अपना ये वाला वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये वाले वीक का व्लॉग पसंद आया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपको पसंद आई होगी। अभी हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और आने वाले वीक्स में हम देखेंगे कि बॉडी कितना अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर रही है अपने आप को। टिल देन कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।